करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद नीतीश लालू एक साथ मंच पर नजर आए। मौका था हाजीपुर में चुनावी रैली का। बिहार विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी महासमर में एक साथ उतरे हैं। मंच पर दोनों नेताओं ने एक साथ गले मिलकर पुरानी अदावत खत्म कर नए समीकरण की शुरुआत की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि महंगाई कम करने का उनका वादा कहां चला गया। आम जनता महंगाई से त्रस्त है और पूछ रही है कि उनके अच्छे दिन कब आएंगे। नीतीश ने कहा, देश पर मंडराते सांप्रदायिक खतरे ने उन्हें और लालू को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। यह बात सबको समझ लेना चाहिए, चाहे लोग मेरा जितना मजाक उड़ाए या लालू जी का जितना मजाक उड़ाए, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मंच से राजग सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से मोदी ने शपथ ली है तब से देश में अशुभ ही अशुभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी देश को झूठे सपने दिखा रहे हैं। आज जो हम लोग का गठबंधन हुआ महागठबंधन, इसका मैसेज सारे देश में गया, हर राज्य में गया। नहीं, लालू नीतीश कुमार ने अच्छा पहल किया, तो आप इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए। इस पर भाजपा और लोजपा ने कहा कि राजग के डर से दोनों नेता एक साथ मंच पर आए हैं। उन लोगों का जो गठबंधन है ये उनके कमजोर होने का संकेत है और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और अभी चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम इसको प्रकट करेगा। राजनीतिक मजबूरी है इसलिए लोग एक साथ आए हैं, कोई इनकी विकास का मुद्दा नहीं है, कोई इनकी आइडियोलॉजीज एक नहीं है। जनता भी इस बात को समझ रही है, पर सबसे पहले इनके आपसी कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना होगा जो लगातार एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं जमीनी तौर पर। आज वो कार्यकर्ता एक दूसरे के पक्ष में कैसे बातें करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव 21 अगस्त को हैं। इन चुनाव के लिए राजद, जदयू और कांग्रेस का गठबंधन बन गया है, जबकि भाजपा, लोजपा और रालोसपा एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे इस उपचुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों गठबंधन में से किस पर जनता अपना विश्वास जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।